नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत क्लास सेवन्थ की ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 32। और आज का हमारा 32 क्वेश्चन है, एक समानांतर चतुर्भुज बनाओ जिसकी दो भुजाएं ए डी और ए बी दी है तथा आधार कोण एक्स के समान दिया है। तो आइए अब देखते हैं इस एंगल को विस्तार से। सबसे पहले हमने एक ए बी रेखा ले लेनी है, तो इस तरह से आपने एक ए बी रेखा ले लेनी है सबसे पहले, और इसको नाम दे देंगे हम स्मॉल ए और स्मॉल बी। और इसी के साथ हमें एक रेखा और दी गई है, वो थोड़ी सी हम छोटी लेंगे, ए और स्मॉल डी। और इसके साथ हमें एक एंगल दिया गया है, मतलब आधार कोण दिया गया है, तो वो भी आपने ले लेना है अपनी मर्जी से। आपने कोई एक एंगल ले लेना है इस तरह से, और इसका नाम हम दे देंगे इस तरह से। आपने प्रकार खोल के इसमें चाप लगा लेनी है, और इसका हम नाम देते हैं एक्स, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये तीन चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी गई है, तो ये आपने सबसे पहले ले लेनी है। अब हमें एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये ए बी जो स्मॉल ए बी सी है, उसी के बराबर हमने एक लाइन ले लेनी है। ठीक, आपने उतनी ही लाइन लेनी है जितनी आपने ये वाली लाइन ली है, और इसको हम नाम दे देंगे कैपिटल ए और कैपिटल बी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये आधार कोण एक्स जो दिया गया है, उसके बराबर हम उसको अब जो है यहाँ बिंदु ए पे हम उसको बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी हमने यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक प्रकार खोल रखी है, यहाँ से जितनी हमने यहाँ तक प्रकार खोल रखी है, उतनी हमने जो है प्रकार खोल लेनी है, और यहाँ ए पे रख के हमने चाप लगा लेनी है। ध्यान रहे, जितनी हमने ये प्रकार खोली है उतनी हमने इसका जो है प्रकार खोलनी है और चाप लगा देनी है। अब हम क्या करेंगे, अब जितना इसका ये वाली पोर्शन है, जितना इसका ये वाला पोर्शन है, उतनी अब हमने इसके बराबर प्रकार खोल के इसको यहाँ से आगे इसको कट कर देना है, जैसे कि आपने पहले के एंगल में भी किया था, 28 एंगल में भी किया था, तो उसी तरह से। और इस बिंदु का नाम आ जाएगा बिंदु एन, ये एन बिंदु आ जाएगा, यानी कि एन चाप हमारी आ जाएगी, और इसको ए के साथ हमने डार्क लाइन में हमने इसको मिला लेना है और इसको आगे बढ़ा देना है, और इसको हम नाम दे देंगे एक्स, क्योंकि इसी के बराबर हमने लिया है, यही एक्स हमने ये एंगल यहाँ पे हमने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो ए डी जो हमारे पास जो छोटी वाली जो लाइन थी, जो हमने एक और हमें क्वेश्चन में दी गई है, हमने उसके बराबर प्रकार खोल लेनी है, और ए से हमने ऊपर की तरफ इसको कट कर लेना है, जैसे हमने सेम 28 में भी किया था, तो आपने वैसे ही करना है, ये सेम क्वेश्चन वैसे ही बनेगा आपका। तो इसका नाम हम यहाँ पे डी दे देंगे, ये वाला बिंदु आपका डी आ जाएगा। अब क्या करना, आपने प्रकार उतनी ही खोल के रखनी जितनी आपने ए डी के बराबर आपने खोल के रखी थी, और बी से भी आपने आगे की तरफ आपने इस तरह से चाप लगा लेनी है। अब आपने ए डी के बराबर प्रकार खोलनी है, ए डी के बराबर, ए बी के बराबर प्रकार खोलनी है, ए बी के बराबर, और डी से आपने डी पे रखनी है, और इसको आगे कट कर देना है, इस तरह से आपने इसको कट कर देना है। ध्यान रहे, पहली जो चाप लगेगी आपकी वो ए डी के बराबर होगी और वह बी से लगेगी, और दूसरी जो चाप होगी आपकी वो ए बी के बराबर होगी, मतलब जो ये हमारी दूसरी जो आपको भुजा दी गई उसके बराबर होगी, और वो आपने डी से लगानी है, और दोनों चापें आपस में जहाँ पे मिल रही है उसको आपने बी के साथ, और ये वाली जो लाइन है आपकी, ये आपकी जो है वो डार्क आ जाएगी, और ठीक इसी को आपने डी के साथ भी मिला लेना है, और इसका नाम आ जाएगा बिंदु सी। तो इस तरह से ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज बन जाती है।